एक है ना है। कार्यक्रम था कुछ छात्रों का जो एएमयू के हैं, उसके उन्होंने प्रोसेशन निकाला है तिरंगा यात्रा के नाम से, और उसके बाद में आकर के इन्होंने 8 पॉइंटर मेमोरेंडम जो है प्रेसिडेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन को दिया है। जिला प्रशासन के बिहाफ पे मैंने आकर के आज इनसे मेमोरेंडम ले लिया है, और फिर भी जो है सावधानी के तौर पे एएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की गई थी कि टीचर्स और एमूटा वालों को जो है थोड़ा सा इनके साथ में रखवाएं, डिप्लॉयमेंट उनका भी करें टीचर्स का एक बफर के तौर पे, और हम लोगों का भी डिप्लॉयमेंट, पुलिस का डिप्लॉयमेंट जैसा आपको पता होगा रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने बैरियर पर। अभी तक चीज़ें सामान्य है, नॉर्मल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पर जिसका नाम बाबू सैयद गेट है, और अंदर चल रहा है प्रदर्शन। जैसा यहाँ पर जो जिस तरीके से दिल्ली में जो कल जामिया में जो मारपीट हुई और प्रदर्शन हुआ अवांछनीय तत्वों का, उसके पूरे देश में सुर्खियां तो बनी समाचार पत्रों की, वहीं दूसरी ओर आज अलीगढ़ में तिरंगा यात्रा देखने को गई। बड़े शांतिप्रिय तरीके से सरकार नारे दे रहे थे वो लोग, और अलीगढ़ कप्तान साहब जिन्हें डीआईजी का पद मिल चुका है, मतलब स्टार लग चुके हैं उनके, उनको ज्ञापन दिया है। उनके कुछ 7 मांगों को लेकर आकाश कोलहरी साहब को ज्ञापन दिया है, जिसको लेकर अभी तक मामला शांत बना हुआ है। हालांकि आरएएफ और पीएसी पुलिस की व्यवस्था चौक चौबंद कर रखी है। आप देख सकते हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बाबे सैयद गेट है, पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। आगे और सिविल पुलिस हमारे ये पीछे जो रोड जा रहा है, उसके पीछे जाने पर सिविल पुलिस और आरएएफ अलर्ट।